ठंडे ठंडे पानी में नहाना। ये है लजीज बहुत ही टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट जिस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधा रावत सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे की मॉर्निंग और मैंने सोचा कि क्यों ना आज संडे है तो साग बनाया जाए, क्योंकि आगे दिन टाइम नहीं लगता। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और मैं अभी साग धोने लगी हूँ। अगर ताज़ा पानी चला गया, आधा ही साग मेरा धुला था और उसके बाद ताज़ा पानी चला गया। आई साधना, जल्दी आई, लेट आई आज दीदी लगी हुई साग धोने तेरी। दीदी के हमारे कोई काम किचन सही बात है। आज संडे है ना, आज संडे है भाई, मैंने सोचा चलो संडे का बेनिफिट उठाया जाए। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए सर्दियों में। फ्रेंड्स ये बोलने वाली बातें हैं, किसी की बातों में मत आना। मंडवे का आटा, मंडवा मतलब कोदा बोलते हैं हमारे यहाँ, कोदो का आटा है ये। तो कोदो के आटे में हम थोड़ा मिलाएंगे गेहूं का आटा और फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे और इसके साथ खाएंगे। ये हरी चटनी है, धनिया की हरी चटनी है। तो फ्रेंड्स ये हो गया है कोदा का आटा, मंडवे का आटा तैयार। और ये दूसरा आटा गूंदा है मैंने और ये बन रही है मंडवे की रोटी। ये मंडवे की रोटी ऐसे बनती है, अभी ये देखो ये मंडवे की रोटी बन रही है। यहाँ साग बन चुका है और बस अभी खाने की तैयारी हो रही है। ये पकती है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये है लजीज बहुत ही टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट जिसमें की है ग्रीन चटनी और है मंडवे की रोटी विद घी, लस्सी एंड साग। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। वैसे मक्की की रोटी मिस कर रहे हैं हम लोग, बट हमारे पास आज आटा नहीं है मक्की का, तो इसलिए हमने मंडवे की रोटी बनाई है और साथ में लस्सी है। तो या यमी यमी यमी। सो फ्रेंड्स नाश्ता पानी बर्तन भांडे सब हो गए और इसे रेस्ट करने के बाद ये देखो बच्चे पार्टी सब लगे हुए हैं यहाँ पर। मूंगफली खा लो गाइस, यहाँ खाई जा रही है मूंगफलियाँ। खाऊंगी मैं, अपने आप छीलूंगी अपनी मूंगफली, मेरे को नीचे लो। बच्चे ने मुंह में डाल के सारी मतलब थूक वाली। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में तैयार होके मिलते हैं, हमने जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few hours later. So friends, हम लोग निकल गए थे। शिवन्या किसकी एक्टिंग कर रही है? मेरी एक्टिंग कर रही है मेरी बेटी। तो फ्रेंड्स हम लोग मार्ट जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, होप अप जा रहे हैं, होप अप और नहीं होप अप आज नहीं जाएंगे। और घर के कपड़ों के ऊपर ही हमने जैकेट पहन ली है ऐसे कौन कौन करता है संडे को, जो पहने हो उसी के ऊपर पहन के निकल जाओ। तो देखो झूठ मत बोल, अंदर से घर के कपड़े पहने हुए। तो बस हमने मौसम कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स और साथ में फ्रेंड्स हम लोग फ्री हो गए और हमने फटाफट से ले लिया क्योंकि हम तीन जने थे लेने वाले, रश बहुत ज्यादा था, बट मीठी और अंशु ने बड़ी हेल्प की हमारी। तो फटाफट से हमने सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली और अब हम जा रहे हैं घर। वो देखो बच्चे लोग अपनी अपनी चीजियाँ खा रहे हैं।
मैंने लिए कोक क्योंकि मुझे कोक पीनी थी, ठंडे ठंडे में ठंडा ठंडा फील हो। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और ये देखिए वेदर तो अभी भी ऐसा ही है, थोड़ी बारिश हो जाए तो मजा आ जाए यार। इन द इवनिंग हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ हो रही है बॉनफायर जो कि पापा जी ने जलाई है। और ये देखिए क्या मजा, और ये देखिए सोनू डाल रहा है इसमें आलू भूनने के लिए। और टेक्निक देखो जरा, वो देखो टेक्निक देखो, एक आलू को भूनने के लिए कितने बंदे उतर गए हैं मैदान में। वो भी डालते हैं बाद में डालेंगे वो। सर्दियों में ना जो मजा आग का होता है ना, वो भी ऐसे ठंडी ठंडी उसमें। ये देखिए पहाड़ी पहाड़ी तो लगने नहीं चाहिए। मैं दोनों तरफ से ही पहाड़ी हूँ, मैं बहू भी पहाड़ों की हूँ और बेटी तो ऑब्वियसली बात है। लग रहा है ऐसे खड़ा ये ठंड में ये हालत देखिए, शरीर कट गया। फ्रेंड्स ये देखिए सोनू की टेक्निक और आलू किस तरह से भुने गए हैं। और ये बड़े वाले आलू मैं खाऊंगी। हाँ अगर ये टेक्निक आपने सीखनी है तो प्लीज कमेंट में जरूर, हजार रुपए लगेंगे। और ये जो लड़का है ना ये बैठना भी सिखाएगा कि बिना कुर्सी के कैसे बैठा जाता है। प्रवीण भैया, गुल्लू आजा, रूबी नहीं आई, बहुत अच्छी जगह रखी आ गए, ताओ आपकी कमी है बस। देखिए फ्रेंड्स आलू, वाओ ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स दिनेश भैया गए सोनू बाहर से। हाँ वो अभी तक बैठे थे वो। आप बैठ जाओ कुर्सी पे, जाओ गरम है वो, निकाल दो काला काला, छील के दे दो, बाटो आपस में बाटो, एक बड़ा है उसके अंदर। हाँ खा लो सब, कुछ नहीं होता आग से कोयला, सब खा लो, दवाई है ये। कैसा प्रवीण भैया है ना? क्या पालक पालक नहीं, 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 ये पापड़ नहीं। फ्रेंड्स यहाँ हो रही है एक नए ब्लॉग की, मतलब ब्लॉग बनाने की तैयारी, ये सही होगा, ये लो जिसमें हम आपको ये लो पूरा कोर्स किसे खाना है, ये लो गाने सुनाएंगे, काफी एंजॉय आएगा। यस हम अंताक्षरी खेलेंगे है ना। तो भी प्रवीण भैया का ढोलक सुनना है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि भैया बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग इतना जल्दी चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था आज का डेली रूटीन कि आज मैंने सारे संडे क्या किया सुबह से लेकर शाम तक। और बस अभी हम नीचे आ गए हैं, अभी हुए हैं 7:30 और बस अब खाना बनाना है। मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।